भारत ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज इन दोनों विषयों को बहुत ही प्राथमिकता दी है। हमने वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर को अपनी अध्यक्षता का आधार बनाया। संसाधनों की कमी के बावजूद ये देश क्लाइमेट एक्शन के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज इन दोनों विषयों को बहुत ही प्राथमिकता दी है। हमने वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर को अपनी अध्यक्षता का आधार बनाया और साझा प्रयासों से कई विषयों पर सहमति बनाने में भी सफलता पाई। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि भारत सहित ग्लोबल साउथ के तमाम देशों की क्लाइमेट चेंज में भूमिका बहुत कम रही है, पर क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभाव उन पर कहीं अधिक है। संसाधनों की कमी के बावजूद ये देश क्लाइमेट एक्शन के लिए प्रतिबद्ध है। ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्लाइमेट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी बहुत ही जरूरी है। ग्लोबल साउथ के देशों की अपेक्षा है कि क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने के लिए विकसित देश उनकी अधिक से अधिक मदद करें। यह स्वाभाविक भी है और न्यायोचित भी है। फ्रेंड्स, G20 में इसे लेकर सहमति बनी है कि क्लाइमेट एक्शन के लिए 2030 तक कई ट्रिलियन डॉलर क्लाइमेट फाइनेंस की आवश्यकता है। ऐसा क्लाइमेट फाइनेंस जो अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो और अफोर्डेबल हो। मुझे आशा है कि यूएई के क्लाइमेट फाइनेंस फ्रेमवर्क इनिशिएटिव से इस दिशा में बल मिलेगा। कल हुई लॉस एंड डैमेज फंड को ऑपरेशनलाइज करने के ऐतिहासिक निर्णय का भारत स्वागत करता है। इससे COP28 समिट में नई आशार का संचार हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कोप समिट से क्लाइमेट फाइनेंस से जुड़े अन्य विषयों पर भी ठोस परिणाम निकलेंगे। पहला, COP28 में न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस पर वास्तविक प्रगति होगी। दूसरा, ग्रीन क्लाइमेट फंड और एडेप्शन फंड में कमी नहीं होने दी जाएगी, इस फंड की त्वरित भरपाई की जाएगी। तीसरा, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स विकास के साथ साथ क्लाइमेट एक्शन के लिए भी अफोर्डेबल फाइनेंस उपलब्ध कराएंगे। और चौथा, विकसित देश 2050 से पहले अपना कार्बन फुटप्रिंट जरूर खत्म करेंगे। मैं यूएई द्वारा क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट सब फंड स्थापित करने की घोषणा का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं।